मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों चर्चा करने के लिए आया हूँ LIC के ऊपर और LIC पे चर्चा करेंगे आज हम LIC IPO के बारे में। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन न्यूज लाए हैं LIC ऑफ इंडिया के IPO से रिलेटेड। LIC ऑफ इंडिया मार्च 2022 तक शेयर बाजार में लिस्टिंग हो जाएगी कानूनी सलाहकार के रूप में श्री श्री अमरचंद मंगल दास का चयन हो चुका है। दोस्तों विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए श्री अमरचंद मंगल दास को कानूनी सलाहकार के रूप में चुन लिया है। दोस्तों देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार CEA कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC चालू वित्त वर्ष के चौथी तिमाही तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो जाएगी। श्री सुब्रमण्यम ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के PGPMAX लीडरशिप समिट 2021 में परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में निजीकरण में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया बेहतर तरीके से आगे बढ़ गई है और आगे फाइनल भी हो गई है। आपने पढ़ा ही होगा कि इसके लिए दो बोलियां मिली थी, भारत पेट्रोलियम और LIC की सूचीबद्धता भी होनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक LIC निश्चित तौर पे सूचीबद्ध हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास की दृष्टि से यह निजीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण साल होगा। सरकार ने हाल में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के प्रबंधन के लिए गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटी, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटी सहित 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। निजीकरण पर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री सुब्रमण्यम जी ने आत्मनिर्भर भारत नीति और निजीकरण को प्रोत्साहन के महत्वपूर्ण सुधार का भी उल्लेख किया है। दोस्तों दीपम ने LIC के श्री अमरचंद मंगल दास को कानूनी सलाहकार चुन लिया है, इसके बारे में भी आप विस्तार से समझ लें। सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO के लिए श्री अमरचंद मंगल दास को कानूनी सलाहकार के रूप में चुन लिया है। चार विधि कंपनियों क्रूफोर्ड वायले, श्री अमरचंद मंगल दास, लिंक लीगल और शार्दुल अमरचंद मंगल दास एंड कंपनी ने 24 सितंबर को निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया था। इस प्रस्तुतिकरण के बाद श्री अमरचंद मंगल दास का चयन LIC के IPO के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में किया गया है। दीपम ने इससे पहले कानूनी सलाहकार की नियुक्ति के लिए 16 जुलाई को अनुरोध प्रस्ताव पत्र RFP निकाला था। बोली देने की अंतिम तारीख 6 अगस्त थी। हालांकि उस समय RFP के लिए पर्याप्त प्रक्रिया नहीं मिली थी। उसके बाद 2 सितंबर को नया RFP निकाला गया और बोली की अंतिम तिथि 16 सितंबर तय की गई।
बोली देने वाली कंपनियों ने 24 सितंबर को दीपम के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया कि देश के इतिहास में इस सबसे बड़े आईपीओ के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों का चयन पहले ही किया जा चुका है। सरकार का इरादा एलआईसी को जनवरी से मार्च 2022 की तिमाही तक सूचीबद्ध करने का है। सरकार विदेशी निवेशकों को भी एलआईसी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण की अनुमति देने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये हमारे द्वारा दिया गया समाचार आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जानकारी दें। और अगर किसी मित्रों को इस संबंध में पहले से जानकारी थी तो वो भी विस्तार पूर्वक बताएं। अगर उनका जानकारी ज्ञानवर्धक लगता है तो उनके नाम के संबोधन के साथ में हम उस पर भी वीडियो बनाकर आप सभी दोस्तों को प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। दो सूचना है दोस्तों। पहली सूचना यह है कि हमारे चैनल पे पैड मेंबरशिप उपलब्ध है। आप अगर हमारे पैड मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाकर के आप पैड मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके तहत आपको अनगिनत लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और दूसरी सूचना है कि अगर आज तक आपने अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको 5 पैसे का आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक को क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर बाजार के शानदार सफर की आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।